कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइज के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति में जो बहुत सारी पोस्ट निकली हुई थी, जिसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और मेरा लास्ट वीडियो था फॉर द कैटरिंग सुपरवाइजर पोस्ट। ओके, काफी अच्छा रिस्पांस आया है इस वीडियो का और बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर मैस हेल्पर का भी एक वीडियो बनाइए, क्योंकि मैस हेल्पर के भी इसमें बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे जॉब्स निकली हुई थी। गाइज अगर आपको याद नहीं हो, अगर आपने वो पुराने वीडियोज नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं, 2022 में भी मैंने दो ही वीडियो बनाए थे, एक कैटरिंग सुपरवाइजर का और एक मैस हेल्पर का। ओके, लेकिन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इस साल के लिए भी आप अलग से मैस हेल्पर का वीडियो बनाइए, तो आज का हमारा वीडियो स्पेसिफिकली होने वाला है मैस हेल्पर की पोस्ट के लिए। ओके, बाकी और भी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी वीडियो बनाइए, है ना, और उसके लिए कोर्स बनाइए, आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी कोर्स बनाइए। ओके, एंड आप उसके लिए एक और पोस्ट थी जो बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, है ना, लैब अटेंडेंट के लिए भी कोर्स बनाइए। गाइज इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, कुछ मेरे मतलब जो मेरे एक्सपर्टीज हैं उसके बाहर की भी हैं, जैसे कि लीगल असिस्टेंट है ना, तो गाइस जो मेरे एक्सपर्टीज नहीं है उनके तो मैं कोर्स नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ जैसे केटरिंग सुपरवाइजर है मेरी ही फील्ड है, मैस हेल्पर है, लैब अटेंडेंट भी मैं बना सकता हूँ क्योंकि उसका जो मैंने सिलेबस देखा था वो मेरे को रेलिवेंट लगा था। तो जो जो मेरे को रेलिवेंट लगते रहेंगे, जिनका मैं आपको क्वालिटी मटेरियल दे सकता हूँ, उन सब पे मैं कोर्स बनाने की कोशिश गाइज करूंगा। आज का जो वीडियो है वो हम उस पर बात करेंगे मैथ्स हेल्पर स्पेसिफिकली, है ना। जैसे आपको पता है ये जो एडवर्टीजमेंट है वो नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां भी आपको ये नोटिफिकेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। हम बात करेंगे मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसकी कितनी पोस्ट जो है वो नवोदय विद्यालय समिति ने निकाली है। ये है मैथ्स हेल्पर ग्रुप सी की ये जॉब है, पोस्ट कोड 13 है, यहाँ पे टोटल पोस्ट का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। मेन है कि टोटल 442 पोस्ट है, मीन्स बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, है ना, और आपको डेफिनेटली अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अगेन आपकी जो सैलरी है लेवल 1 RS 18000 से लेकर 56900 तक आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। ओके, तो मीन्स काफी अच्छी सैलरी आपकी होने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30-25-30 हज़ार के पास रहने वाली है, नंबर वन। नंबर टू, जो एज है 18 से 30 साल के बीच में जो लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, मैट्रिकुलेशन चाहिए, मीन्स आप 10वीं पास होने चाहिए एटलीस्ट, है ना, एंड उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 5 साल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज मैथ्स हेल्पर की जॉब के लिए, आपका आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, मैथ्स स्कूल। ओके, जैसे आर्मी, आर्मी के लिए, आर्मी से मुझे बहुत से लोगों के फोन आए थे कि सर हम आर्मी में हैं और हम आर्मी में मैथ्स में ही काम करते हैं, हम रिटायर होने वाले हैं या हम VRS ले रहे हैं, वट एवर, तो हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यस वो कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, वहां पे वो मैथ्स में अगर काम कर रहे हैं उनको 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये मतलब 10वीं के साथ साथ कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, और थर्ड आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद NVS जो है वो आपका एक स्किल टेस्ट भी लेगा कि आप कैसा काम करते हैं और क्या आप उनके पैरामीटर्स पे खरा उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते हैं। ओके, तो गाइज ये मैथ्स हेल्पर का पोस्ट कोड 13 है ना, मैंने आपको सब बता दिया, पे स्केल बता दिया। ओके, 25 से 30 के बीच में आपका स्टार्टिंग पे रहने वाला है। ओके, एज आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन मैंने आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पे बता दी। अब चलते हैं इसका जो एग्जाम है, ओके, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और सिलेबस में क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा आपका, दो स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। पहली स्टेज आपकी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, और इसका जो हम कंपोनेंट की बात अगर करें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा,
15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश, बहुत कॉमन 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। ओके, टोटल हो गए 20 क्वेश्चन और ये 20 मार्क्स का हो गया। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपके 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 क्वेश्चन आपके किस 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 से आने वाले हैं? सब्जेक्ट नॉलेज। नाउ सब्जेक्ट नॉलेज क्या है? वो है आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स, ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। यहां से आपके 70 क्वेश्चन आएंगे। ओके, टोटल आपके 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर होगा। ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, एंड द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर द ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मीन्स 2.5 घंटे का पेपर होगा, पूरा पेपर आपके सामने खुल जाएगा, आप कोई सा भी सेक्शन पहले या बाद में कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसमें। मीन्स 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे, मीन्स 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो टाइम तो काफी है आपके लिए, आराम से ये 120 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये स्टेज वन थी। स्टेज वन क्वालिफाई करने के बाद यू हैव टू क्वालिफाई स्टेज टू। स्टेज टू क्या है? स्किल टेस्ट। नाउ व्हाट इज स्किल टेस्ट? वो आपका स्किल टेस्ट लेंगे, आपके स्किल्स चेक करेंगे कि आप कैसे मैस में काम करोगे, आपको कटिंग ऑफ वेजिटेबल आती है कि नहीं आती है, कुछ आपसे वो बनवा भी सकते हैं, वट एवर, यहाँ पे क्लियर नहीं किया है उन्होंने। ओके, तो फिलहाल आपका फर्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कैसे क्वालिफाई करोगे। ओके, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो जो आपके सिलेबस में है। ओके, अब बात करते हैं कि 2022 में मैंने मैथ्स हेल्पर पे एक अलग से वीडियो बनाया था और अलग से कोर्स बनाया था जो मेरे ऐप में अवेलेबल है। चलिए देखते हैं वो कोर्स कहाँ पे है और उस कोर्स में गाइस क्या क्या है। ओके, इसके लिए गाइस आप मेरी ऐप में आ जाएंगे, मेरी ऐप का नाम है राणा एजुकेशन, ये उस ऐप का होम पेज है गाइस। इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है उस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाके आप उस वीडियो को देख के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड कर रखा है। ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद गाइज आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, स्टोर में जाएंगे, है ना, और स्टोर में आप ऊपर सर्च में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर्च में? मैथ्स हेल्पर। ओके, आप जैसे ही मैथ्स हेल्पर टाइप करोगे आपके सामने कोर्स यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको ओपन कर लेंगे गाइज। ये आपका मैथ्स हेल्पर का कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिल जाते हैं जहाँ पे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, सैंपल पेपर मिल जाते हैं, MCQs एंड मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कोर्स है गाइज आपके सामने। इसकी ड्यूरेशन क्या है? मीन्स अगर आप इसको आज ज्वाइन करते हो तो आज से लेके 6 मंथ्स तक आप इस कोर्स में बने रहेंगे, है ना, तो मीन्स इसकी वैलिडिटी है 6 मंथ्स और आपका जो ये एग्जाम है वो विद इन 6 मंथ्स हो ही जाएगा। इन केस 6 मंथ्स में नहीं होता है और आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, तो जब भी एग्जाम होगा उस डेट तक इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, 43 इसमें वीडियोज हैं, 22 फाइल्स हैं और 186 टेस्ट हैं। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट मीन्स मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मीन्स बिल्कुल वैसे ही टेस्ट, जैसे वैसे ही क्वेश्चंस आपको बना के दिए हुए हैं जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंटेंट में आप जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे देखें ओपनिंग है, सैलरी क्वालिफिकेशन क्या है अलग से फोल्डर बना है, सिलेबस क्या है अलग से फोल्डर बना है। ओके, देन स्टडी मटेरियल क्या है। ओके, एंड हम मेनली जाएंगे स्टडी मटेरियल पे। ओके, जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस बताया था, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वहां मैंने देखा था रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट नॉलेज एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। नाउ रीजनिंग का अगर हम देखें तो मेनली रीजनिंग के टॉपिक क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ओके, इन सभी जो रीजनिंग के बहुत ही कॉमन कॉमन से टॉपिक हैं उनके ऊपर आपको बहुत सारे यहाँ पे मॉक टेस्ट ऑलरेडी कोर्स में डाल रखे हैं। ओके, वैसे ही आपका जनरल अवेयरनेस है, वैसे ही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, वैसे ही सब्जेक्ट नॉलेज है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज से 70 क्वेश्चन आएंगे। आपको दिखा देता हूँ, पहले तो आपको यहाँ वीडियोज मिलेंगे, यहाँ इन सभी वीडियोज में जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो भी टॉपिक है उनको समझाया हुआ है, आप इन वीडियोज को देखेंगे आप बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। नाउ हमारे सब्जेक्ट नॉलेज में
टॉपिक क्या क्या थे? फूड साइंस, न्यूट्रिशन, फूड प्रोडक्शन, फूड हाइजीन एंड इंडियन फूड एंड स्वीट्स। ओके, तो ये सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स में डाल रखे हैं। ओके, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, 6 मंथ्स तक एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में जितने भी कंटेंट है, वीडियोस हैं, पीडीएफ है या मॉक टेस्ट है, उन सब का जो डेमो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। तो आप एक बार पहले उसको देख लें, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। ऑलराइट, प्लस 6 मंथ्स के आपको इसमें गाइस वैलिडिटी मिलने वाली है। ओके, प्राइस का सिर्फ 999 रखा हुआ है, 999 ओनली, वन टाइम पेमेंट है, और आप 6 महीने तक इस कोर्स में बने रहेंगे और इसमें हम और भी कंटेंट ऐड करते रहेंगे। ऑल राइट, तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के लास्ट में दिए हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी है वहां पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी जो क्वेरीज हैं आप वो पूछ सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा हुआ है, 999 ओनली। ओके, और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकल के आई हैं, तो ऑल द बेस्ट जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी के साथ जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई सी यू ऑल इन द क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।